रागिनी आपकी बहन। रागिनी? हाँ कपड़े तो वही है। रागिनी वो आटे में नहा कर क्यों घूम रही है? कोई गून देगा तो? बुआ आपकी हालत किसने की? ओ मच्छरों ने, हमने मुझसे कहा था ना आटा गूंद के रखना। मैं वो आटे का डब्बा उतारने के लिए ऊपर चढ़ी, मच्छर ने मेरे हाथ पे काटा, सारा आटा मेरे ऊपर गिर गया। देखिए ना चोट भी लगी। हे विश्वनाथ, आज बरसों बाद हमारी बेटी अपने घर आ रही है। हमारी आंखों को उस नूर का सामना करने की शक्ति देना विश्वनाथ, शक्ति देना। पुलिस वाला था भाई। नहीं भैया, उसने वो टुर्र वाली सीटी नहीं मारी तो? उसने ये वाली सीटी मारी। रागिनी तुमने सीटी बजानी कहां से सीखी भाई? लड़की होकर सीटी बजाती हो? नहीं भैया मैं नहीं बजाती, मैं तो बता रही थी उसने मुझे कैसे छेड़ा। हाँ शर्मा जी, देखिएगा अभी बजाएगी ना तो नहीं बजेगी। अच्छा भैया की है, पिताजी की नहीं है। शर्मा तेरा कौन है? पिताजी है, अम्मा है, ताऊ जी है, ताई जी है, हमारे फूफा जी शर्मा थे तो हमारी बुआ जी भी शर्मा हो गए, हम भी शर्मा, हमारे भैया शर्मा, हमारी भाभी भी शर्मा। शर्मा आ जाओ भाई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। इस वीरानी अंकल ने साबूदाने इतनी छोटी शीशी में क्यों भरे हैं? रागिनी तुम आओ। क्या हो गया? आपका उपवास है? नहीं। ये तो उपवास में खाते हैं ना, आप क्यों खा रहे? अच्छा तुम लोग उपवास में दवा खाते हो? मतलब अन्न नहीं खा सकते, दवा तो खा ही सकते हैं, पर आप ये क्यों खा रहे? स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत से बेटा, इसलिए। अच्छा किसने की शिकायत? और किया क्या स्पॉन्डिलाइटिस ने? अरे रागिनी पहले से इतना गर्दन में दर्द हो रहा है, दिमाग में दर्द ना पड़ा। आपकी गर्दन में दर्द है? समझ में नहीं आ रही है सीधी सीधी बात, इसीलिए दवा खा रहा हूँ। मेरी फिक्र छोड़, तू बता बेटा क्यों आई, किस लिए आई? बाम लेने। बाम है नहीं? नहीं चाहिए भी नहीं। तो लेने क्यों आई? ओहो तब चाहिए था, अब नहीं चाहिए, अब तो इलाज मिल गया ना। ए, भगवान। ए, रागिनी जो तुम बोलती जाती है ना, समझ में आता क्या बोल रही? क्यों आप जो बोलते हैं आपको समझ में नहीं आता? रागिनी तू जा, घर जा। देखिए अभी आपने मुझे क्या बोला? रागिनी तू घर जा, आपको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? हाँ। तो घर जा। हाँ जा रही हूँ। हाँ। इतना तैयार होके लिफ्ट से नीचे जाएंगे, सोसाइटी में घूमेंगे और फिर लिफ्ट से ऊपर आ जाएंगे। भैया आपने कहा था हम शादी में जा रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, क्या हुआ ढोकरा, तुमने अरे वाह का मतलब नहीं पूछा? आंटी आप मुझे बता दीजिए, भैया की गर्दन में ज्यादा ही दर्द है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है रागिनी, घर में बेलन है? हाँ है। चिंकी ये क्या है? वो तो कोलगेट का फ्री डेंटल चेकअप कैंप है। एप्पल्स? नहीं नहीं
मुझे चेकअप पिकअप की कोई जरूरत नहीं है। एप्पल्स। क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, मेरे दांतों को हार्ट अटैक हुआ है। एम्बुलेंस की नहीं, तुम्हें जरूरत है दांतों के चेकअप की।